राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाई है। पांडुना महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई हैं। रंजना बाल पांडे ने कमल का दामन थाम लिया है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मनोकर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों ही प्रमुख नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए नजर आई। तस्वीरें हम उसी समय की आपको दिखा रहे हैं जब मौजूदगी थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। दोनों प्रमुख नेता जो कांग्रेस के कहलाते थे अब बीजेपी के हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशीष दुबे जबलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका उस दौरान भव्य स्वागत किया। गृहग्राम से रैली निकालकर जबलपुर पहुंचे हुए थे। जबलपुर की जनता ने अपार प्रेम लुटाया, अच्छा खासा जनसमर्थन देखने को मिला। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी समय आपको दिखा रहे हैं जब तैयारियां चल रही थी आशीष दुबे के पहुंचने की यहाँ पर। और ये जब वो वहां पर पहुंचे माला पहनाते हुए उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। और मध्य प्रदेश में 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची पर मंत्री संपतिया उइके का बयान सामने आया। मंत्री संपतिया उइके ने घोषित सभी उम्मीदवारों को अच्छा बताया, साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। जो सीट घोषित किए हैं बहुत ही अच्छे नाम हैं और निश्चित ही जो ऐसे नाम हैं जो ग्रास रूट पे काम करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और सभी हमारे जिनको घोषित हुए हैं ऐसे सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाई देती हूँ। और निश्चित ही हमारे चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे और हम 400 पार करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और एमपी बीजेपी पूरे ही चुनावी मोड में उतरती हुई नजर आती है। इसी क्रम में नरसिंहपुर में बीजेपी के चुनाव दफ्तर को खोला गया। उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की तरफ से। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहे। यहां पर पार्टी की बैठकें हो सकेंगी, अब चर्चाएं हो सकेंगी रणनीति को लेकर। और ग्वालियर का जिक्र करेंगे जहां कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का जिक्र करें, बहुत ही जल्द कांग्रेस की पहली सूची आएगी। उनकी तरफ से कहा गया है बहुत लंबे समय से मंथन चल रहा है पार्टी में, 2 महीने से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है, लोकतांत्रिक तरीके से चयन करते हैं, ये उनकी तरफ से दावा। गांव ब्लॉक लेवल पर भी चर्चा हुई, उसके बाद सूची आपके सामने रखी जाएगी। देखिए हमारी जो प्रक्रिया है कैंडिडेट्स को चयन करने की, जो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 महीने से चल रही है। हमारे यहाँ के माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव वो गांव-गांव ढाणी जाकर ब्लॉकों से हम नाम ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नाम ले रहे हैं, आम जनता से हम नाम ले के आते हैं और एक लंबी प्रक्रिया चलकर वो नाम तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ये 2 लोग बांटते हैं पूरे देश के टिकट। देखिए हमारी जो और कांग्रेस छोड़ने वालों पर जयराम रमेश का गुस्सा फूटा है। सिंधिया समेत बीजेपी ने जाने वालों को वॉशिंग मशीन का लाभार्थी बताया। सिंधिया और असम के सीएम पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश नजर आए। जिन लोगों को सिर्फ वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है वही लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गिनती कीजिए जो जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री को लेकर अब शुरू कीजिए, हमारे असम के प्रभारी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। और आगे बात करेंगे ग्वालियर जिले की, जहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि शिवपुरी लिंक रोड पर जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तो उस दौरान उनके करीब जाने के लिए 2 कांग्रेसी आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को हटाया। राहुल गांधी की मौजूदगी थी उसके बावजूद यहाँ पर ये देखिए झड़प की तस्वीरें। ये तस्वीरें
बयां करती हैं कि कांग्रेस में अनुशासन का क्या हाल है। ग्वालियर की ये तस्वीरें, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ रैली निकाल रहा था और उसी दौरान उनसे मिलने की होड़ में दोनों कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर गुस्सा हो गए, झड़प हुई, झूमा झटकी की तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे अलग किया। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शिवपुरी लिंक रोड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो लगातार चल रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह मिलने को लेकर भी, लेकिन ये कुछ अलग तस्वीर। और हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का जिक्र करेंगे। इस मामले को लेकर आठवां आरोपी प्रदीप गोयल उर्फ ताऊ इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। ब्लास्ट में घायल होने के बाद इंदौर में इलाज करा रहा था, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। आरोपी प्रदीप फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की बुआ का बेटा है और इसकी भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट, इसे लेकर कार्रवाई को मद्देनजर रखा गया कि कैसे अब कार्रवाई करती है पुलिस, कितनी तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो उसी की तरह एक्शन भी पुलिस की तरफ से, आठवां आरोपी भी पकड़ा गया। और अनूपपुर में आरटीओ चेकपोस्ट के कर्मचारियों की गुंडागर्दी के खिलाफ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। मामला जयथरी से पिंडरा रोड से बने आरटीओ चेकपोस्ट का, तैनात कर्मचारियों पर लगातार अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। आज भी अवैध वसूली की मांग को लेकर कोयले से भरे ट्रक के सारे कागजात और बिल्टी जब्त की गई। इससे ऐसी खबर भाजपा जिला अध्यक्ष को, तो आधाराम वैश्य कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंच गए, गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अभी तो इसके पहले तो अपने शिकायत संज्ञान में नहीं है, मतलब कब किसने किया आवेदन दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में आवेदन आया है न्यायालय में, तो उसकी जांच करके और जो भी संबंधित जो व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आरटीओ वेंकट नगर आरटीओ चेकपोस्ट पर वो अवैध वसूली की शिकायत आई, उसके संबंध में शिकायत वसूली की जाती है, उसके संबंध में पहचान करके उनके खिलाफ विधिवत जो भी कार्रवाई होगी। और ग्वालियर में एक महिला के अपहरण की सूचना पर हड़कंप मच गया। तलाश में पुलिस थाने का पूरा बल लगा दिया गया। वारदात की जगह पर पुलिस पहुंची तो उसका स्कूटर मिला। इसके बाद उसके नंबर पर कई बार फोन भी किया गया। पुलिस ने खेड़ापति हनुमान मंदिर के आसपास कई मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए, तब जाकर 9 घंटे बाद महिला का सुराग लगा। पूछताछ में पता चला कि महिला अपनी मर्जी से घर से बाहर गई हुई थी। एक लगभग 30 वर्षीय महिला के द्वारा अपने परिवार वालों को अपहरण की सूचना बताई गई थी फोन करके, लेकिन जब तस्दीक किया गया तो वह किसी भावना के भावनात्मक रूप से घर वालों से दूर चली गई थी और उसका कुछ पति से मतभेद भी चल रहे हैं, इस पर से वो बिना बताए चली गई थी, फ़ोन बंद कर लिया था हमने। उसमें तत्परता से पुलिस ने, पड़ाव पुलिस ने काम करते हुए 6 घंटे के अंदर उसको बरामद किया और उसकी जो भी स्टोरी थी उस पर हमने, अभी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं बनती थी लेकिन हमने उनके परिवार वालों को समझाइश देकर सपोज कर दिया। बैतूल के शिवधाम भोपाली के शिखर मंदिर की पहाड़ी में आई दरार को लेकर प्रशासन ने अहम फैसला लिया। महाशिवरात्रि पर आने वाले भक्तों और मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुफा मंदिर में भक्तों की आवाजाही बंद रहेगी। सीसीटीवी लगाकर एलईडी स्क्रीन पर शिवलिंग के दर्शन कराने की व्यवस्था जरूर की जा रही है। इसके साथ ही गुफा मंदिर तक आने वाले सारे कच्चे रास्तों को भी बंद किया जा रहा है। न्यूज 18 ने शिखर मंदिर की पहाड़ी में आई दरार को लेकर खबर बहुत प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद 15 अधिकारियों की टीम यहां पर चेकिंग करने के लिए पहुंची और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब अधिकारी कर्मचारी यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। पाया गया कि सचमुच यहां पर खामियां हैं, अगर दरार आई है तो खतरा बढ़ सकता है श्रद्धालुओं की जान को लेकर भी, और इसीलिए ये फैसला कि गुफा मंदिर में किसी को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। महज शिवलिंग के दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो एलईडी स्क्रीन पर लाइव दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है।
रायसेन जिले का जिक्र करेंगे। बाघ की दहशत यहां पर देखने को मिल रही है। वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड पर काम करती हुई। न्यूज 18 पर बाघ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब दहाड़ते हुए खेत में भागता हुआ बाघ दिखा, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यही वो बाघ है जिसके रेस्क्यू के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया है। बाघ का वीडियो जैसे ही ग्रामीणों तक पहुंचा तो उनके बीच भी दहशत का माहौल, हालांकि जैसे तैसे कर बाघ को दूर रखा जा रहा है रहवासी क्षेत्रों से, जिससे हानि ना पहुंचाए। लेकिन ये तस्वीरें निश्चित ही डरा देने वाली, चूंकि आसपास ही कई सारे घर हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, फिलहाल आपने देखा कि लगातार चूंकि संबोधित करते हुए अलग अलग राज्यों में, लोकतंत्र एक चाय बेचने वाले परिवार को भी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाता है, और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है। मैं भी खेती किसानी वाला परिवार का एक सामान्य व्यक्ति हूं, जिनके घर में से कभी कोई राजनीति में रहा ही नहीं, ना पिताजी ना भाई, कोई नहीं। लेकिन पार्टी और तो और मुझे इस बात का लोकतंत्र में और गर्व है। आप तो बड़ी बड़ी आबादी वाले लोग, आपका तो बड़ा क्षेत्र है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हम 500 भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2,80,000 में से भारतीय जनता पार्टी गर्व से मौका देती है और आपका भाई आपके सामने निकल करके आता है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। जो कहती है वो ऐसे खाली नहीं बोलती है। इसलिए मौका पड़ता है तो कभी शिक्षा मंत्री, कभी पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कभी उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, और अब की बार तो जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, जैसे आप लोग बैठे, मैं तो आखिरी पंक्ति में ही बैठा था, और मैं जिसके साथ बैठा था 1-1.5 घंटे से, वो दोनों विधायक आज तक झगड़ा करते हैं मेरे से कि तुम इतनी देर से बैठे, तुमने बताया नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। मैंने कहा तुमको कैसे बताऊं, मेरे को ही नहीं मालूम कि मैं कहां बनने वाला। ये हमारी पार्टी की विशेषता है, जो ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को, जिसके घर का कोई राजनीतिक एक तरह से पहचान न हो, उसके बाद भी उसको मौका देती। ये हमारी पार्टी, इस पार्टी के आधार पर मुझे इस पार्टी की विचारधारा पे गर्व है, और ये केवल अपनी पार्टी चलाने के लिए नहीं, ये समूचे लोकतंत्र के लिए गौरव की बात कि जिसमें योग्यता होगी वैसे सारे के सारे लोग जहां मौका पाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से मैं अगर आया हूं तो ये लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ, भगवान राम के अनुज की नगरी लक्ष्मणवती भी इसका नाम है, और माता गोमती के किनारे बसा हुआ ये नगर मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है। मैं पवित्र छिपरा जी के किनारे से आता हूँ, माँ नर्मदा हमारी जीवन प्रदायिनी है, और हर हर महादेव के जब नारे लगाते हैं तो 5,000 साल पुराना सूरसेन यादव का नगर भी याद आता उज्जैन, जिसके माध्यम से दुनिया हमको एक अलग रूप से देखती है। और मैं उम्मीद करता हूं, और आप और हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम अपने इस लोकतंत्र की भी जय जयकार करेंगे, और जितनी टैलेंटेड लोग हैं ये अपने साथ खड़े करके, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे वंश से तो है। और इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन आते हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल मैं शामिल हो जाऊं तो मेरा क्या अस्तित्व है? इसका मतलब तो हम सब बिकाऊ माल हो गए। तो आपके साथ विधायक गए वो माल बिकाऊ था, उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे, और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओ। आपका स्टैंड क्या है? ये तो खिलाफ का प्रस्ताव आएगा, कानून तो आ चुका है, दिखाइए कहां है कानून, कब से आ रहा है? हिंदू सिख जैन बौद्ध सबके लिए कहना चाहते हैं, जिनकी लाशों पर सर रखकर आजादी थी हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी छाई।